और बेस्टो को 21,000 रुपए। पहला जो मैच होगा उसी से बेस्ट कैचर और बेस्ट रेडर छटे जाएंगे। तो पाली आनंदपुर खेल मेला में खेलोगे? हाँ खेल लाएंगे। कंबाइन और ट्रैक्टर विजेता जो टॉप लेवल के प्लेयर हैं उन्हें सम्मानित भी कराएंगे जी। और लेकिन ये है जी वो खेल मेले में कबड्डी से थोड़ी खेल नहीं सकते उस जी। मिनी से थोड़ा ऊपर और ओपन से थोड़ा कम जी। एक नया फॉर्मेट तैयार कराया गया है। पर एक बात का और स्पेशल ध्यान है सब का, अगर जो ये टीम है ना एक मतलब दो दो तीन तीन बना लिए हैं दूसरे में का डे मतलब। अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शक हैं पवन मलिक मोकरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते भाई। बाली आनंदपुर नजदीक का गांव है हमारा और बाली आनंदपुर में कबड्डी टूर्नामेंट होने वाला है और इब की बार जो टूर्नामेंट होने वाला है वो हर टूर्नामेंट से अलग होगा। लगभग हरियाणा का एक नए तरीके का तगड़ा कबड्डी सर्कल कबड्डी टूर्नामेंट होने वाला है। हमारे साथ सरपंच साहब जुड़ गए हैं बाली आनंदपुर से ही। सरपंच साहब राम राम। राम राम जी। जो सभी दर्शकों के जो अभी मेनू में देख रहे हैं सभी दर्शकों को राम राम। ठीक हो स्वस्थ हो? बिल्कुल जी। प्रधान जी नू सुनया है कुछ खास करवाने वाले हो टूर्नामेंट में की बार, क्या खास? बिल्कुल जी, खास करवाने के लिए इसीलिए टूर्नामेंट करवा जा रहे है। पिछले साल भी टूर्नामेंट करवा था और अब की बार भी। तो यही है जी, नए बच्चों को अच्छी अचीवमेंट मिले और अच्छा नए बच्चे करें, क्योंकि हमारे गांव बगल का गांव है बड्डी बहू जो हमारा पन्ना ही है भाईचारा, वहां पे बहुत ही क्रेज है कबड्डी का। कबड्डी की करीम है वहां तो? बिल्कुल करीम है, नर्सरी है जी। उन्होंने तो बहुत विदेशों में अपना डंका बजाया जी बड्डी बहू में, इसलिए हमने भी यही मुहिम छेड़ी है जी, गांव में करे तो एक अच्छा ही करें। बिल्कुल। तो क्या तारीख? ये 10 मार्च है जी, संडे का दिन है। 10 मार्च को जी। इनाम क्या है जी? इनाम जी बेस्ट इनाम है 71,000 रुपए। पहला इनाम जो है वो 71,000 रुपए। ठीक है। और दूसरा इनाम है जी 51,000 रुपए। तीसरा इनाम है 31,000 रुपए और बेस्टो को 21,000 रुपए। और इसके अलावा जैसे बाकी जो टीम जैसे भाई 8 नंबर तक की को क्या किराया क्या मान सम्मान दिया जाओगा? सेमीफाइनल में 4 टीम है जी, उनको 51,500 रुपए दिए जाएंगे और 8 टीम जो क्वार्टर फाइनल की उनको 3100-3100 रुपए दिए जाएंगे। और मलिक साहब हम अलग करने के लिए जा रहे हैं, जो पहला जो मैच होगा उसी से बेस्ट कैचर और बेस्ट रेडर छटे जाएंगे और उचित नाम दिया जाएगा जी कमेटी की। नहीं, बेस्ट रेडर कैचर का मतलब यो है, मैं समझाऊंगा प्रॉपर तरीके से। सरपंच साहब का कहना मतलब ये होगा जो पहला ये मैच होगा उसमें भी जो अच्छा प्रदर्शन करेगा कैचर और रेडर उसको भी बेस्ट का इनाम दिया जाओगा, उचित इनाम रहेगा उसी समय ग्राउंड में उसको इनाम दिया जाओगा, ये कहना चाहूंगा। बिल्कुल जी मलिक साहब जी। तो एक बार पहलवान जी राम राम। राम राम भाई, कैसे हो? बढ़िया। तो सुना भाई, ठीक ठाक? पहलवान जी तो किसी तैयारी है, फिटनेस किसी है? फिटनेस ठीक से भाई। तो बाली आनंदपुर खेल मेला में खेलोगे भाई? हाँ खेल लाएंगे। खेलोगे? हाँ जी। सरपंच साहब एक चीज और मैंने थोड़ी सी नोटिस करी है तो मैं पूछ लूं आपसे। पर्चा जो आया ना उस पर एक चीज लिख रखी थी जी कि जो कंबाइन और ट्रैक्टर विजेता जी, जो कंबाइन जीत रहा है ट्रैक्टर जीत रहा है वो खिलाड़ी आपके खेल मेले में शामिल नहीं हो सकता, नहीं खेल सकता जी। जी ये इसलिए किया गया जी, नए बच्चे हैं जो ये जो तगड़े प्लेयर हैं जो कि जैसे क्रिकेट में लगा लो जी, जो टॉप लेवल के प्लेयर हैं वह कहीं लोकल टूर्नामेंट में नहीं जाते, तो ऐसे ही हम भी ये चाह रहे हैं जी, नए बच्चे हैं जो उनको मौका मिले और अच्छे टूर्नामेंट हो। पहले भी हमने टूर्नामेंट करवाया था तो उसकी प्लॉप सही हो गया था जी, प्लॉप था जी बिल्कुल जी, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये टूर्नामेंट करवाया है। जो टॉप लेवल के प्लेयर हैं उन्हें सम्मानित भी कराएंगे जी। और लेकिन ये है जी वो खेल मेले में कबड्डी से थोड़ी खेल नहीं सकते उस जी, जी। इसमें सरपंच साहब का कहने का मतलब यो भाई कि जैसे जो यो मिनी से थोड़ा ऊपर और ओपन से थोड़ा कम जी, एक नया फॉर्मेट तैयार कराया गया है। मिनी के जो प्लेयर हैं वो तो सारे इसमें हिस्सा ले सकेंगे, ओपन वाले प्लेयर जो हैं वो भी खेल सकेंगे, बस कुछ चुनिंदा प्लेयर जो कंबाइन जीत रहे हैं या जो ट्रैक्टर जीत रहे हैं वो इसका हिस्सा नहीं होंगे। वो प्लेयर जो लगभग हमारे एरिया के हैं
जो अपने एरिया के अच्छे प्लेयर हैं उनको मान सम्मान के लिए बुलाया जाऊंगा। बिल्कुल विशेष मैं भी जाऊंगा और पूरी टीम जाएगी जी, अच्छे प्लेयरों को सम्मानित कराया जाएगा जी, जितने भी आसपास के हमारे हैं जी, मोखरा गांव भी है जी, बहुत अच्छी टीम रही है और आज भी है, और बड़ी बहू तो नर्सरी ही है जी, बड़ी बहू के तो कहने ही क्या है, तो हम भी ये सोच रहे हैं जी हमारे गाँव में कुछ अच्छा ही करे बच्चे भी, तो यही है भाईचारा भी बना रहे जी और खेल में भी अच्छा रुझान। बेस्ट रेडर कैचर को 21,000 रुपये दिए जाऊंगे, ये कै मिलान पे है, एक पंचायत में दो? ये जी मलिक साहब एक पंचायत में दो प्लेयर ही बाहर की खेल सकती है जी। देखिए एक तो रिक्वेस्ट रहोगी, एक तो एक दिन का खेल मेला करवाना प्लीज जी। बिल्कुल एक दिन का खेल मेला होगा जी, वो भी दिन दिन में कोशिश ये रहेगी जी हमारी, दिन दिन में उसको फाइनल हम करवाने की कोशिश करें। अच्छा एक और मेरी गुजारिश है सरपंच साहब, पहलवान जी ने बेरा है इन चीजा ने शुरू शुरू में बड़े खेल यार, टीम भी खेल लग रही है, किराया जो टीम फर्स्ट राउंड में हार के घर आ जाओ ना, लगभग रोज जो नए बालक हैं उनको किराया नहीं मिलता, तो आधी टीम तो किराए के उसमें मर जाओ। बिल्कुल जी मलिक साहब आपका कहना बहुत बढ़िया है, क्योंकि गरीब घर के बच्चे ही कबड्डी से जुड़े हुए हैं जी, तो उनको भाड़ा किराया तो जरूरी है जी, तो ये बात पहले ही है, मैंने हमारी कमेटी ने बैठ के निर्णय कराया था कि भाई पहली बात किराया, जो आपने क्वेश्चन कराया बहुत बढ़िया कराया जी, क्योंकि जो खेल कमेटियां हैं इनके बारे में खेल कमेटियां ने सोचना चाहिए जी, धक्के ना मार के किराया दे दो, किराया अच्छा देना चाहिए जी, सम्मान मिले थोड़े राजी हो अगले अगले दिन भी आवर जी, उनका प्रोत्साहन भी बढ़े जी। खर्चा घना है जब बलवान जी, तो मान ले एक कोई भी नई टीम या चाहे आपकी भी टीम, टीम तो टीम है, खर्चा सबका बराबर है, तो मेरे ख्याल से एक टूर्नामेंट में गाड़ी भी जाओ है 1500-2000 नीचे तो मेरे ख्याल को जानता ही नहीं, और भी भाई बाल प्रधान जी खाओ पियो भी है बालक रस्ते में, और आजकल दो और भी घने खर्चे हो रहे हैं, एक लंगोटे वाला और कच्चा वाला खेलना रह रहा है, बोलो सही कहो। हां सच्ची बात है, खर्चा और एक टीम जाओ ना उसके काफी खर्चा हो जाए, बाहर तो प्लेयर भी आओ दो तो गाड़ी गुड्डी में तो ले गए आओ दोनों अपनी तो खर्चा हो है भाई, चाहे नई टीम है चाहे पुरानी। हाँ चाहे नई नई में मान ले थोड़ा नू हो जाए वहां बैठा ला, पुरानी में थोड़ा नू हो जाए भाई, कह दे हाँ चाहिए अपनी गाड़ी में खेलने का तर थोड़ा बड़ा लेवल में हो जाए जी, शुरू तो बेस्ट रेडर कैचर कर देंगे और सारी टीम ने कराया, पर एक बात का और स्पेशल ध्यान है भाई साहब का, अगर जो ये टीम है ना एक मतलब दो दो तीन तीन बना ले हैं दूसरे में का ध्यान लगते, तो उसका स्पेशल ध्यान रखा जाएगा भाई, कराए गए बाबत के घर दो टीम बना ली तीन टीम बनाई तो भाई यो काम ना करियो, कदे तीन तीन चार चार टीम बना कर करें तो भाई साहब बिर का पकड़ गए तो गलत बात है यार। कहने का मतलब यो है भाई, मैं बता दू पहलवान जी नो कह है कि भाई सब ने बेरा है टीम कौन सी है, बिल्कुल कौन सी टीम है, अब नो बेरा भाई बहु की कह टीम है जो सही टीम है, वह प्लेयर दूसरी में चले गए नए बड़का के लत्ते कटवा दिए और तीन तीन टीम मोए पावे सिर्फ किराए के चक्कर में, ईसा मत करियो आपने वैसे एक टीम बनाकर बढ़िया खेलो, आपको वैसे बढ़िया किराया दिया जाओगा, यह बात सफल। हाँ यह बात सफल, शुरू तय किराया मिलेगा और बढ़िया मिलेगा और शुरू तय बेस्ट रेडर के लिए कटेंगे चर जी। एक और रिक्वेस्ट है जी, हर टीम को फर्स्ट राउंड से ही देखो, जो रेफरी है वो भगवान नहीं है, थोड़ी मोटी गलती मिस्टेक हो जाओ है, और आज हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है लाइव के माध्यम से कि हम उस गलती को शायद सुधार सके हैं। तो एक अपनी कमेटी का सदस्य और एक रेफरी परमानेंट निर्धारित कर दो कि भाई आपने हर मैच में एक या दो रिव्यू हम देवेंगे, बिल्कुल, और उसमें मैच नहीं रुकेगा, अगर दो रिव्यू है तो हम अगर कोई गलती है तो हमारी टीम का सदस्य और एक रेफरी जाकर रिव्यू देखा होगा, चलते ही मैच में आकर रिव्यू बता देंगे ये इसका नंबर है ये उसका, प्लीज इस टेक्नोलॉजी का ही फायदा उठाओ। बिल्कुल जी, क्योंकि ये कोई भी खेल है कोई भी कार्य है डिसिप्लिन का होता है, अगर डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी जी, तो ये हमारा होगा जी मेन मकसद है, क्योंकि एक वहां भी एक्स्ट्रा में ही ड्यूटी लगा दो। बिल्कुल, अब आपका काम सिर्फ रिव्यू देखना पूरा दिन, बिल्कुल, और निष्पक्ष रिव्यू देखना है, एक के निजी रिव्यू में दो के लगाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर तो ये शिकायतें आती हैं, तो एक निजी दो की ड्यूटी लगाएंगे। तो फर्स्ट राउंड से ही पहलवान जी दो रिव्यू हर टीम को दो, चलते मैच में रिव्यू देख के आओ, और हर मैच के फर्स्ट राउंड से फाइनल तक सरपंच साहब दो रिव्यू ही रहेंगे, तीसरा रिव्यू किसी को नहीं दिया जाएगा, फिर बहस करने की भी जरूरत नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल बहस करने की जरूरत नहीं, ना दबाव मानेंगे, बिल्कुल दो ही रिव्यू दिए जाएंगे, वो भी चलते मैच में ही दिए जाएंगे जिन्हें था
बिल्कुल कोई अनाउंसमेंट के बाद अगर 10 मिनट तक टीम नहीं आती है तो पहलवान जी 10 मिनट तो बतेरे होते होंगे, खूब हो जाए 10 मिनट में। जैसे अनाउंसमेंट हो गया भाई पावोपुर टीम ग्राउंड में आ जाओ थारा मैच है 10 मिनट में, देखो 10 मिनट तक अगर नहीं आती वो टीम तो उसका पॉइंट काट लो, मेरे हिसाब से टूर्नामेंट भी समय पे हो जाओगा, पॉइंट काटो चाहे कोई भी आओ। बिल्कुल कोई भी आए जी, पॉइंट तो बनता ही है, 10 मिनट कम नहीं होती जी, बहुत ज्यादा हो जाती जी। और 10 मिनट में अनाउंसमेंट में, क्योंकि मैच तो पहले जी पहले ही बोलते हैं यो मैच उसका है, यो बेरा तो रहती है, एक घंटा पहले देता हूँ बेरा लाग जाए मैच की खेल है क्वार्टर में थोड़ा कम समय उसमें पहले मतलब आधा एक घंटा पहले बेरा लाग जाए। बिल्कुल अच्छा एक मैच मत बदलियो, जिसका मैच जिस टाइम बोल दिया उस टाइम मैच कराइयो चाहे कोई है। बिल्कुल जी मैच तो बदला ही नहीं जाएगा जी, ये तो टाइम पे कोई भी टीम है बिल्कुल चाहे तगड़ी टीम है उसका भी मैच बोल दिया तो करवा जाएगा जी। बिल्कुल जी और निष्पक्षता कराइयो कति सारे ने भाई मान के चाहे कोई जीतो निष्पक्ष, क्योंकि हमारे गांव से पहले से ही शुरू से ही हम देखते बचपन से देखते आ रहे हैं टूर्नामेंट कोई भी करवाते हैं निष्पक्षता से ही करवाते हैं, और हमारे आदरणीय जो हमारे बुजुर्ग हैं हमारे गांव के बड़े हैं वो सबसे बड़ी बात तो मलिक साहब यही है, हमारे गांव के बड़े और युवा लड़के होते हैं वो बिल्कुल एक साथ होते हैं। अच्छा एक और सुनने में आया है कि बुजुर्गों के लिए भी एक एंटरटेनमेंट सा एक टूर्नामेंट सा जो से रेस वगैरह का कुछ। जी मलिक साहब बिल्कुल, 60 साल से जो ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको हमने 3100 बेस्ट आने पर और द्वितीय आने पर 2100 रुपए और तीसरे स्थान आने पर 1100। इसमें भी कोई क्राइटेरिया है कोई एरिया है यहाँ का इसमें भाग ले इसका कोई भी आओ? इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं जी, कोई भी बुजुर्ग 60 साल से ऊपर है वो इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। जिस तरीके से आपने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया और टूर्नामेंट की जैसे रूपरेखा बनाई खिलाड़ी रह रहे हो गे? जी खिलाड़ी रहे हैं, कबड्डी के भी हैंडबॉल के भी नेशनल लेवल के खिलाड़ी रहे हैं, और बाकी इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है हमारे गाँव में भी और हमारे बगल का हमारा पानना ही है बड़ा बड्डी बहु, तो ये हमारे गवांड है मोकरा है तो इनमें क्रेज शुरू से ही है जी, क्योंकि गांव में रहते हैं। आप काम क्या करते थे इसके अलावा? मैं इसके अलावा मैं दिल्ली पुलिस में जॉब करता हूं जी। अब भी? जी जी। तो सरपंच जो है वो आपके मिसेज हैं? नहीं 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 जी, मेरा छोटा भाई है जी। ठीक है। तो क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई जी और नाते मैं तो कोई फाइट नहीं कर सकता, लेकिन समाज ने मेरे को पहले से ही अच्छा भाईचारा था हमारा, तो उन्होंने मेरे को भाई ये लड़का है ठीक है तो मैं तो फार्म भर नहीं सकूंगा। आपका नाम हमारे दर्शकों को बताओ एक बार। मेरा नाम सुरेंद्र है जी, गांव बाली आनंदपुर डिस्ट्रिक्ट रोहतक जी। तो आपने गेम किया है पहले भी जी? और पुलिस में रहते हुए गेम करे? नहीं पुलिस में तो नहीं जी, पहले इससे पहले ही हमने गेम किए है।